हरियाणा रोडवेज कर्मचारियों के हड़ताल पर जाने के ऐलान के बाद से हरियाणा के डीजीपी केपी सिंह ने रोडवेज की हड़ताल को ध्यान में रखते हुए सभी एसपी और आईजी को निर्देश दिए कि सभी जिला प्रशासन से संपर्क कर बस स्टैंड पर सुरक्षा के इंतजाम बढ़ाए ताकि बस स्टैंड पर खड़ी बसों को कोई नुकसान न पहुंचा सके। साथ ही कहा कि जो प्राइवेट बस ऑपरेटर है उनको ना रोका जाए। उन्होंने कहा कि यात्रियों की सुरक्षा के पूरे प्रबंध किए गए हैं। डीजीपी ने कहा कि यदि कोई किसी प्रकार की गैर कानूनी हरकत करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। रोडवेज की स्ट्राइक को ध्यान में रखते हुए सभी एसपीज और सभी आईजीज को कहा गया है कि वो जिला प्रशासन के साथ में इमीडिएटली कांटेक्ट करें और बस स्टैंड पे सुरक्षा के प्रबंध बढ़ाएं ताकि जो बस स्टैंड पे बसें खड़ी हुई हैं उनको कोई नुकसान न पहुंचाए, बस स्टैंड के जो रास्ते हैं उनको कोई जबरदस्ती बाधित ना करे और प्राइवेट ऑपरेटर्स जो अपनी बस चला रहे हैं उनको कोई न रोके और जो रोडवेज के एम्प्लॉई बस चलाना चाहते हैं उनको कोई न रोके और यात्रियों को किसी प्रकार की कोई समस्या उत्पन्न न हो, इसके लिए सुरक्षा के पूरे इंतजाम किए गए हैं। वहीं निजी परमिट और नई परिवहन नीति के खिलाफ हरियाणा में दूसरे दिन भी रोडवेज का चक्का जाम है जिससे आम जनता को भारी परेशानी हो रही है। वहीं प्राइवेट वाहन इस मौके का फायदा उठा रहे हैं। सुरक्षा को लेकर पुलिस की तैनाती बस स्टैंड पर की गई है। वहीं सरकार को भी इस चक्का जाम से करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है और चार अलग अलग शहरों की तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां रोडवेज कर्मचारी प्रदर्शन कर रहे हैं। आप देख सकते हैं अंबाला, रोहतक, यमुनानगर, फतेहाबाद की ये चार तस्वीरें हैं जहां पर